हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास सर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर्स में 1 जुलाई 2022 के क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पेशवा नगर, संभाजी नगर, पटेल नगर, सुभाष नगर। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, संभाजी नगर रखा गया है। सेकंड, हाल ही में इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवान जोकोविच, महेश भूपति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, नोवान जोकोविच, जो किस देश के हैं? सर्बिया के। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि नोवान जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया। और ये जो ग्रैंड स्लैम है वो किस खेल से जुड़ा है? टेबल टेनिस से। हाल ही में अंबिका राव का निधन हुआ, वे पेशे से क्या थी? अंबिका राव राजनेता, अभिनेत्री, कॉमेडियन, क्रिकेट खिलाड़ी। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, अभिनेत्री। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस नाम से एक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने पद्मा, बलमा, नंदी या चंपा। तो इसका आंसर होगा ए, पद्मा। भारतीय तटरक्षक बल ने पद्मा नाम से एक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से सभी याद रखने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैंप नामक योजना की शुरुआत की है। ये जो योजना है वो किस मंत्रालय से संबंधित है? रैंप योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, रेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय या बैंकिंग व्यवस्था से। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से रैंप योजना संबंधित है। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहा हर्मिट क्या है? हर्मिट स्पाईवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या वायरस। तो दोस्तों ये स्पाईवेयर है। जो हर्मिट है वो क्या है? स्पाईवेयर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, संभाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट या महात्मा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका आंसर है ए, DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इसका नया नाम है किसका? नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप 2022 का आयोजन स्थल क्या था? अंडर 23 बिश्केक, पेरिस, सियोल या लंदन। तो इसका आंसर होगा ए, बिश्केक। और ये किस देश में है? किर्गिस्तान में। किस देश में है? किर्गिस्तान में। याद रखना है किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, जहां पर किसका आयोजन किया गया? अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय डेयरी व पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ नामक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? अहमदाबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु या नोएडा। तो इसका आंसर होगा सी, बेंगलुरु में वन हेल्थ नामक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। किसने? केंद्रीय डेयरी व पशुपालन मंत्रालय ने। इसके अलावा दोस्तों हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल GK, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो पिछले एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, हमने वही क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। किसको प्राय कोशिका की ऊर्जा मुद्रा माना गया है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा ATP को। किसको? ATP को। ऑस्ट्रेलिया के घास के सथलों का भौगोलिक नाम क्या है? डाउन्स। घास के सथल को क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में? डाउन्स। विश्व
विशो का कॉफी पत्तन कौन माना जाता है? विशो का कॉफी पत्तन के नाम से सेंटोस को माना जाता है, जो कहाँ पर है? ब्राज़ील में। कहाँ पर है दोस्तों? ब्राज़ील में। कहवा पत्तन भी बोलते हैं इसको, कॉफी पत्तन भी बोलते हैं। कजरी कहाँ का एक प्रसिद्ध लोकगीत है? कजरी उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का। नूनमती क्या है? नूनमती है तेल शोधन शाला, जहाँ पर तेल का शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु एक द्रव है? कौन सी धातु एक द्रव है? पारा। क्या उत्तर होगा? पारा। भारत में जो स्वर्ण है यानी सोना है, वो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कोलार में। कहाँ पाया जाता है? कोलार में। और जो कोलार है वो कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। ताश किस देश की समाचार एजेंसी है? रूस की। नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। उसके बाद गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना अयस्क है शीशे का। उसके बाद लाख कैसे बनाई जाती है? जो लाख है वो कीट से बनाई जाती है। किससे? कीट से। तो दोस्तों ये थे ट्रेडिशनल जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो अक्सर पिछले एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, और आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें विकास सर ऑफिशियल, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो डेली हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।